नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। एक इंसान जयपुर के किले में लटका मिला, उसकी हत्या हुई या खुदकुशी की यह बात तो पुलिस पता करेगी, लेकिन इतना जरूर लग रहा है कि इस मौत पर पद्मावती फिल्म की जो फिलहाल जिस तरह का विवाद है उसको लेकर उसकी छाप जरूर है। उधर फिल्म की ओवरसीज रिलीज भी रुक गई है। भंसाली की फिल्म 50 से भी ज्यादा देशों में रिलीज होने वाली थी। हमें फिल्मकारों की कमाई की कोई चिंता नहीं है, लेकिन देश की साख की चिंता हमें जरूर है। क्या संदेश दिया जा रहा है? हम तो दुनिया में अपने डंके की बात करते हैं, लेकिन यहां तो जिसकी डफली उसका राग वाली हालत नजर आ रही है। सेंसर बोर्ड है, करनी सेना है, राज्यों की सरकारें हैं और केंद्र सरकार है। अगर किसी से पूछा जाए कि आखिरी फैसला इनमें से किसका होगा, तो शायद देश में इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और यही स्थिति ठीक नहीं है कि जवाब किसी के पास क्यों नहीं है, क्योंकि एक देश किसी मुद्दे पर इतना बेबस नहीं नजर आना चाहिए। आज हम न फिल्म के पक्ष में बात कर रहे हैं और न ही उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, हम स्थिति के खिलाफ हैं जो पैदा की गई, क्योंकि इससे देश की इमेज पर दाग लगने का खतरा है। आज की चर्चा में हम मेहमानों से उम्मीद करेंगे कि वो इससे निकलने के उपाय सुझाएंगे। हम आज की बहस में ये उम्मीद नहीं करेंगे कि पार्टियों के नुमाइंदे सिर्फ एक दूसरे कर लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहें। हम चाहेंगे कि सुझाव निकलकर सामने आने चाहिए। आज की चर्चा उन्हीं सुझावों पर है। तो ये विरोध का जौहर है। जयपुर के नाहरगढ़ किले में लटके एक शख्स की लाश को पुलिस भले ही पहली नजर में खुदकुशी मान रही हो, लेकिन पत्थरों पर लिखी गई धमकी भरी बातें कुछ और इशारा कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं थी पद्मावती के विरोध में किसी की हत्या कर दी गई है? पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा। राम लक्ष्मण के साथ सीता के साथ वनवास में, और उन्होंने ये कहा, मैंने तो नहीं कहा कि मेरी बेटी समान है, इसका नाक काट लूंगा या कान उतार लूंगा। पर ये स्थिति में उन बच्चों को कहने की कहां जरूरत हो रही है कि अगर रावण के समझ में नहीं आए तो सपूर्णा का नाक काट देने की हैसियत भी हमने सिर कटाए हैं मालिक। इरादे तो पहले से ही आक्रामक थे। विरोध की ज्वाला में जौहर दिखाने की धमकी पहले से ही दी जा रही थी। अब इसके सबूत भी मिलते दिख रहे हैं। जरा गौर फरमाइए इन शब्दों पर। हम सिर्फ पुतले नहीं लटकाते पद्मावती, हर काफिर का हाल यही होगा। चेतन तांत्रिक मारा गया, चेतन तांत्रिक कौन था इसकी पूरी कहानी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले नाहरगढ़ किले से इस लटकती लाश के बारे में आप जान लीजिए। पुलिस की नजर में यह खुदकुशी या फिर हत्या का मामला हो सकता है। हमने मुआयना कर लिया है। बेसिकली चेतन सैनी नाम का आदमी है जो करीब 40 साल की उम्र का है, घर में ही ज्वेलरी का हैंडीक्राफ्ट का काम करता है। कल शाम आफ्टरनून में ये घर से निकला था, उससे आगे की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। हम भी ये दावा नहीं कर रहे कि रानी पद्मावती के समर्थकों ने उसकी हत्या की है, ये जांच का विषय है और इसकी पूरी तफ्तीश होनी भी चाहिए, लेकिन किले से लटकी लाश और पत्थरों पर राजपूतों की शान में लिखी ये बातें महज संयोग नहीं हो सकती, वो भी तब जब चेतन तांत्रिक का जायसी के पद्मावती में गद्दारी का जिक्र हो। इस कहानी के तीन संभावित वजहें नजर आ रही हैं। पहली तो ये हो सकता है कि देशभर में विरोध का क्रूर संदेश देने के लिए चेतन सैनी नाम के शख्स को ही चुना गया हो और उसकी हत्या की गई हो। दूसरी ये कि किसी ने चेतन सैनी से अपनी दुश्मनी को पद्मावती फिल्म की कहानी से जोड़कर अपनी रंजिश निकाल ली हो। तीसरी ये कि फिल्म के विरोध में अंधे होकर चेतन सैनी ने खुदकुशी कर ली और इसके पीछे उसके अंदर अपने नाम को लेकर गलानी का भाव भी रहा। उसने अपने नाम को कहीं न कहीं राजा रतन सिंह के गद्दार तांत्रिक चेतन राखो से जोड़ लिया। बहरहाल हम आपको ये बताते हैं कि फिल्म पद्मावती से चेतन तांत्रिक का क्या लेना देना है। दरअसल मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में तांत्रिक चेतन का जिक्र है। तांत्रिक चेतन राघव चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह के दरबार में हुआ करता था। कहा जाता है एक बार तांत्रिक ने तंत्र विद्या के दम पर पूर्णिमा की रात से पहले ही पूर्णिमा का चांद दिखा दिया था।
इसी बात से नाराज होकर राजा रतन सिंह ने चेतन को दरबार से निकाल दिया था। इसके बाद बदला लेने के लिए चेतन अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचा और उसी ने रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान खिलजी के सामने किया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था। इतना ही नहीं, विरोध प्रदर्शन से लेकर खुद चित्तौड़गढ़ के लोग भी चेतन की गद्दारी का जिक्र करते रहे हैं। यही वजह है कि चेतन सैनी नाम के शख्स की लाश मिलने की घटना पद्मावती के विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं दिलीप चेरियन इमेज गुरु हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है दिलीप जी। राम कदम नेता बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं, राम कदम जी स्वागत है आपका। देवेंद्र सिंह भदौरिया उपाध्यक्ष हैं राजपूत समाज के, देवेंद्र जी आपका भी स्वागत है। शहजाद पूनावाला वकील हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है शहजाद आपका। और ए के मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी ए के मिश्रा जी स्वागत है। पहला सवाल देवेंद्र सिंह भदौरिया जी, कैसा लग रहा है इस कदर भावनाएं उद्वेलित कर दी गई कि आज एक व्यक्ति को अपनी जान देनी पड़ी? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। ये देश हित में इस प्रकार से जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री वाले निर्माता लोग हैं जो जनभावनाओं से खेलते हैं, उनका काम केवल मनोरंजन दिखाना है, बच्चों को जनता को मनोरंजन उपलब्ध कराना है, न कि संस्कृति से इतिहास से छेड़छाड़ करना। जब आप संस्कृति से इतिहास से छेड़छाड़ करते हैं, जबकि आप स्वयं भारतीय हैं और भारत के का क्या इतिहास है आपको जानकारी होना चाहिए, और नहीं जानकारी थी तो आपको जानकारी लेना चाहिए थी, खास तौर पे पद्मावती के परिवार से जो उनके आप मुझे ये बताइए देवेंद्र जी, देवेंद्र से आपको इस देवेंद्र जी आप निर्णय पर क्यों पहुंच रहे हैं? हमने तो देखिए रिपोर्ट में भी ये कहा कि जांच पड़ताल पुलिस का काम है, पुलिस करेगी। यहाँ पर भी आप इस निर्णय पर पहुंच गए हैं, क्यों पहुंच रहे हैं आपने निर्णय पर? हम चर्चा किस बात को लेकर करना चाहते हैं, हम इमेज को लेकर करना चाहते हैं। करणी सेना ने क्या से क्या कर दिया, एक घर का एक 40 साल का व्यक्ति चला गया, आप किस कदर इमेज अपनी बनाना चाहते हैं, क्या यही रखना चाहते हैं? नहीं, हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये करणी सेना के कारण हुआ? हो सकता है किसी इसकी जांच का विषय है, जांच में सिद्ध होगा तब कह सकते हैं आप। इनाम किसने रखे, नाक काट लेने की बात किसने कही, कहां से आया ये सब, आपने भावनाएं भड़काई? नहीं, ये सब चीज समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, एक ही प्रकार के लोग नहीं होते हैं। उसमें कुछ लोग आड़ में इस टाइप से आक्रोश में आकर के कह देते हैं, आक्रोश में भीड़ जब आक्रोशित होती है तो कुछ ना कुछ इस प्रकार के शब्द निकलते हैं। फायदा उठा लिया होती जब निवेदन से नहीं, फायदा उठा लिया आपके इस सब क्रियाक्रम का? नहीं नहीं, अभी तक आप देखिए राजपूतों के मामले में आज बरसों से हम लोग फिल्म देखते आ रहे हैं, फिल्मों में राजपूतों को गुंडा जमींदार जो जल्लाद होता है, लोगों पर जल्लादी करता है, उन पर हमले करता है, उनको प्रताड़ित करता है, ऐसा दिखाया जा रहा है। आज तक तो हम लोग नहीं बोले, तो ये जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आजादी थी, तो इसका मतलब ये था नहीं कि आप अति करें, फिर आप एक ही समाज को टारगेट करते हैं। फिर आपने तो कहा तो भी आप ही ने गलती की, एक ना एक अगर आपको ऐसा लगता है तो भी आप ही ने गलती की वहां पर, की शुरुआत में ये आवाज क्यों नहीं उठाई, अब आप इस कदर क्यों आवाज उठा रहे हैं कि लोगों को जान देनी पड़ रही है या उनकी जान ले ली जा रही है? ये हम आप ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। दिलीप चेरियन सुधार रहे हैं, दिलीप चेरियन मसला इमेज का है, मसला इमेज का है। ओवरसीज इस फिल्म को रिलीज होना था, कमाई किसी की होती या कितनी होती या नहीं होती वो हमारे लिए मसला नहीं है, हमारे लिए मसला ये है कि संदेश क्या गया, सब देशों को क्या क्या कहें हम कि हम फिल्म इसलिए नहीं अभी रिलीज कर सकते। हालांकि देखिए ब्रिटेन से तो कहा गया है कि 1 तारीख को हो जाएगी वहां पर और अनकट ही हो जाएगी रिलीज वहां पर, लेकिन हमारी उन बाकी देशों में जहां पर हम इस फिल्म को रिलीज करते क्या इमेज बनी है? देखिए देश का इमेज पे बहुत हानि पड़ा है। हमारा ऐसा इमेज हो चुका है कि हम जैसे कई देशों में जो जहां होता है वो ट्राइबल वॉरफेयर की बात के जैसे हो रहे हैं। हाँ। और ये मेरे ख्याल में देश के आगे जाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए बहुत हानिकारी है। ये जो चिंताएं ये कर रहे हैं, लोगों को जैसे भड़का रहे हैं, इससे या तो टेंशन बढ़ेगी सोसाइटी में और उससे भी इंडिया का इमेज पे खतरा हो सकता है। एक तरह देखिए मूडीज ने हमारा रेटिंग बढ़ाया है, पर अगर हम
इंडिया का जो पावर है वो सॉफ्ट पावर है, और अगर हम अभिनेताओं और फिल्म बनाने वालों को ऐसे कंस्ट्रेंट्स में डालें तो किसी का भी मेरे ख्याल में बेनिफिट नहीं होगा, और इंडिया का इमेज जो है आगे जाके और भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये ट्राइबल वॉरफेयर जैसे जो जिस कंट्रीज में है वहां लोगों को बड़ा दुख लगता है कि वहां इन्वेस्ट करें, वहां टूरिस्ट विजिट करें, क्योंकि पता नहीं चलता है कि कहां पे कौन सी इश्यू पे फ्लेयर अप हो जाएगा और वायलेंस हो सकता है। बिल्कुल जी, मैं आऊं आपके पास और बात करें। राम कदम जी, मुझे ये बता दीजिए, फिल्में तो हमारा एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करती हैं, ये फिल्म भी जाती, लेकिन राजनीति ने कबाड़ा कर दिया, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञों ने, मुख्यमंत्रियों ने, उप मुख्यमंत्री ने जिस तरह के बयान दिए, क्या वाकई आपको लगता है कि सब चीजों से ऊपर फिर सरकार ही हो गई है? ना सुप्रीम कोर्ट की यहां पर जरूरत है या ना यहां पर सेंसर बोर्ड की जरूरत है, क्योंकि वहां तो अभी मामला चल ही रहा है, फिर क्यों बैन बैन बैन, और फिर उसका असर यह है कि हमारी इमेज बाहर भी खराब हो रही है। देखिए मीनाक्षी जी, इसके पूर्व में मैं कह चुका हूं कि यहां पर मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता या बीजेपी का विधायक करके यहां पर मैं बोलने नहीं आया, बल्कि पूरे एशिया में फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स की जो सबसे बड़ी यूनियन है, फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनियन, उसके अध्यक्ष के नाते मैं यहां पर हूं। ओके। दो बुनियादी बातें हैं जिसे समझने की आवश्यकता है कि हिंसाचार का हम कोई भी समर्थन नहीं करते, हिंसाचार जो भी हो रहा है वो तुरंत सभी लोगों ने रोकना होगा, उसे हम कंडेम करते हैं, पर उसके साथ साथ इस मूल बात को भी समझने की आवश्यकता है कि किसी की भावनाओं को आहत करने का अधिकार या इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का भी अधिकार ना किसी निर्देशक को है ना किसी फिल्म के निर्माता। बहुत सही बात कही आपने राम कदम, जनवरी में भंसाली जी स्वयं लिख करके देते हैं, लेकिन उस किसी ने किया है क्या, ये कैसे तय हो रहा है? बिल्कुल, मैं मेरी बात पूरी करूं तो आप समझ पाएंगे। जनवरी में भंसाली जी ने स्वयं कुछ लोगों को लिख करके दिया और कहा कि मैं मेरी फिल्म रिलीज करने के पहले आप लोगों को दिखा दूंगा। अब एक हफ्ते पहले कुछ देश के चंद पत्रकारों को उन्होंने फिल्म दिखाई, अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं उस बात का, पर उसके साथ साथ जिस महारानी पद्मावती के विषय में फिल्म है, उनके जो वंशज महाराजा महेंद्र सिंह जी हैं, लोकेश सिंह कलवी जी हैं, उनको भी दिखा देते तो क्या आपत्ति थी? जो खुद लिख करके दिया है कि मैं तुम्हें रिलीज के पहले दिखाऊंगा, वो अपने वादे से क्यों भंसाली जी मुकर गए? इन दो बातें जो है लोगों के मन में संदेह और भ्रम पैदा करती है। आप मुझे ये बताइए, ऐसा आप है कि फिल्म का जो ट्रेलर जिस प्रकार का रिलीज हुआ, आप ये स्थिति चाहते हैं कि ट्रेलर रिलीज होने के बाद ये क्या ठीक परिपाटी है? क्या ये ठीक परिपाटी है? कल को हर समाज खड़ा होगा सर, बॉलीवुड को बंद कर दिया जाए, फिल्म इंडस्ट्री की फिर हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम सबको पैसिफाई इसी तरीके से करते चलेंगे, क्या यह मुमकिन लगता है आपको? एक छोटा सा उदाहरण ऐसा है, कल के दिन अगर मान करके चलो भविष्य में आपके मां या पिता के बारे में कोई फिल्म बनाने की बात करे, तो स्वाभाविक रूप से आप भी मांग करो कि मुझे दिखा दो। अरे महारानी पद्मावती के बारे में फिल्म बन रही, उनके वंशज देखे, गलत है इसमें? ये कोई गलत परिपाटी है? अगर किसी समाज की भावनाएं पे ठेच पहुंचती है, आघात होते हैं और वे मांग करते हैं यदि, तो इसमें क्या आपत्ति है? उनकी मांग जिस तरीके से वो कर रहे हैं, जो कानूनी व्यवस्था है, सेंसर बोर्ड है, वो अपना काम करेगी। हाँ, हम यही कह रहे हैं ना कि सेंसर बोर्ड को ही काम करने दीजिए ना, जो स्वयं लिख करके दिया, सेंसर बोर्ड को ही काम करने दीजिए ना, जिसका काम है उसी को करने दीजिए। आप मीनाक्षी जी, ठीक है, हम और बात करेंगे सर इस पर। मीनाक्षी जी, मुझे एक मिश्रा जी ये बता दीजिए कि क्या कभी ऐसा देखा समझा जा सकता है इस देश में? दरअसल स्थिति ये अब हो गई है या बीच बीच में होती रहती है, और जैसी जिसकी समय काल खंड के अनुसार जैसे इतिहास में होता था, वर्तमान में भी हम वही स्थिति देख रहे हैं कि जब जिसकी सरकार होगी उसी तरीके से चीजें होंगी, जिस सरकार को ये लगेगा कि ये संगठन, ये ग्रुप हमारे लिए हितैषी हो सकता है तो हम इस तरीके से इसको लेकर बात करेंगे। क्या फिल्म में हर चीज में हम देख रहे हैं किसी तरीके का घालमेल है, और ये कितना नुकसानदेह है? नहीं मैम, देखिए आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है, और
और सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगा कि डिबेट शुरू होने के पहले जो आपने बोला था कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है मास लेवल पे, इससे बाहर कैसे आया जाए। मैं सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने देखा था, पढ़ा था, एक ऐसी ही फिल्म आई थी निकाह। निकाह को प्रदर्शित करने के पहले वहां पे जो मुस्लिम धर्म गुरु होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको बुला के ये दिखाया गया था कि इसमें क्या क्या चीज सही है, क्या क्या चीज गलत है, वो चीजें उन्होंने हटाई थी। फिर उसका नाम भी उन्होंने ओरिजिनल, उस फिल्म का नाम उन्होंने तलाक 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 रखने के लिए बोला था, लेकिन वो निकाह रखा उनको दिखाने के बाद। तो क्वेश्चन यहां पे भी ये उठता है, अगर ये देखा जाए कि जो हमारा इतिहास है उसको डिटेरियट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो टीवी हो, चाहे कोई किसी भी तरीके का फिल्म या वो हो, उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन सब चीजों को स्टॉप कैसे किया जाए जो पूरे देश में चल रहा है। अभी एक आदमी की हत्या हो गई या मर्डर हो गई है, आपके चैनल पर दिखाया जाए। देखिए, एक बहुत रूट कॉज लेवल पे जाके मैं बोलूंगा, जब कोई फिल्म बनती है तो फिल्म के जो डायरेक्टर होते हैं, जैसे यहाँ पे संजय लीला भंसाली है, वो किसी न किसी राइटर से उसकी जो राइटिंग है, स्टोरी को जो है लीगल वे में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि कौन से राइटर ने ये चीज लिखी है और वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी देखा जाए। और आज आपके चैनल पे एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताऊंगा जो अभी तक किसी भी चैनल ने नहीं बताई है, शायद आपका चैनल ये पहला चैनल होगा, जो कॉपी संजय लीला भंसाली के पास है, जो कहानी लिखी गई है उसकी ओरिजिनल कॉपी और कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, और राइटर से भी कॉन्टेक्ट करिए, उनके पास भी वो ओरिजिनल कॉपी है, उसमें ये देखा जाए कि राइटर ने जो लिख करके कहानी सौंपी है, लीगल वे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें ये क्या सारी आपत्तिजनक चीजें हैं। राइटर से अगर मान लीजिए, अब आई डू नॉट वॉन्ट टू डिस्क्लोज मोर क्योंकि ये लीगल वो है, लेकिन मैं मीडिया से और जहां पे केस चल रहे हैं मैं उनको बोलूंगा कि आपके राइटर दिल्ली में ही रहते हैं, वो बहुत बड़े नॉवलिस्ट है, जहां तक मुझे ज्ञात है जो राइटर ने लीगल वे में संजय लीला भंसाली जी को जो कहानी सौंपी थी उसमें ऐसा कोई आपत्तिजनक नहीं था। इन लोगों के ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर होता है और कुछ एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी होती है कि फिल्म को हिट कैसे बनाया जाए। अगर लीगल वे में आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो एक भी वर्ड उस कहानी को आप तोड़ नहीं सकते हो, कोई डायलॉग बदल नहीं सकते हो। तो सबसे पहले तो अगर ये दूध का दूध पानी का पानी करना है तो कल्प्रिट कौन है, संजय लीला भंसाली है या वो राइटर है? ठीक है, हमें लेकिन शहजाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी कोई करना ही नहीं चाहता। यहाँ पर सबके अपने अपने हित हैं और उनको कैसे साध लिया जाए इस पद्मावती फिल्म के जरिए, उसमें चाहे संजय लीला भंसाली बिना किसी प्रमोशन के अपनी फिल्म की पब्लिसिटी करना चाहते हो, करणी सेना अपना जो राजपूती शान है उसको दिखाना चाहती हो, सरकारें अपने हिसाब से चल रही हैं, और इन सब के बीच में एक बेचारा शख्स अपनी जान गंवा देता है। देखिए, पहली बात तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि विरोध करने का सबको अधिकार है, पर तरीका क्या होना चाहिए वो बिना हिंसा के होना चाहिए, बिना धमकी के होना चाहिए, बिना हवन कुंड में डालने के और नाक काटने की धमकियों के बिना होना चाहिए। और खासकर जो आज जो वाक्य घटा है उस तरीके का वाक्य तो नहीं होना चाहिए। मैं अब दो तीन सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल ये है कि अगर ऐसी मांग को हम लोग जायज ठहराए, जैसे इन्होंने निकाह की बात की, मुझे नहीं पता ये कब हुआ पर ये हुआ होगा ये कह रहे हैं, तो या तो आज की बात करें, अगर हम लोग हर फिल्म को संबंधी पक्ष को दिखाते रहेंगे तो फिर इस मुल्क में संबंधी पक्ष तो कभी खत्म होंगे नहीं। तो सीबीएफसी बोर्ड को आप खारिज कर दो, बंद कर दो, ताला लगा दो, जो आज दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि नहीं किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा सीबीएफसी के पास जाने दो, अब सुप्रीम कोर्ट वापस से 28 को सुन रहा है इस मामले को। आईएनबी मिनिस्टर ने 27 अक्टूबर को कहा कि नहीं ये फिल्म बिना किसी झिझक के इसको हम पारित कराएंगे। तो आईएनबी मिनिस्ट्री, सीबीएफसी और कोर्ट की तो कोई जरूरत नहीं है। हर फिल्म के पहले आप पहले स्क्रिप्ट को जारी कर दो न्यूज़पेपर के जरिए, उसमें संबंधी पक्ष पढ़ लेगा, स्क्रिप्ट को अप्रूव करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद ही फिल्म बनेगी, उसके बाद वरना फिल्म बनने की जरूरत नहीं। और जो दिलीप चेरियन कह रहे हैं, हमारी हंसी और मजाक बन रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं मेक इन इंडिया, और जो मेक इन इंडिया कर रहा है बेचारा, चाहे आप उसकी फिल्म को चाहे या ना चाहे, उसने मेक इन इंडिया फिल्म एक बनाई है, फिल्म इंडिया में बनाई है, और वो बाहर भी नहीं रिलीज कर पा रहा है ना इधर रिलीज कर पा रहा है, उसके सर के लिए और दीपिका के सर के लिए बोली लगाई जा रही है। तो ये तरीका कौन सा है मुझे तो समझ में नहीं आता। और कुल मिला के ये चुनाव के लिए किया जा रहा है। अब मुझे बताइए, गुजरात में सीईसी चुनाव ये हो गया है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, वहां के मुख्यमंत्री को क्या अधिकार है बनता है फिल्म को बैन करने का? वहां पे तो इलेक्शन कमीशन का राज है ना। शुरुआत ही गुजरात से हुई, कहा जब शुरुआत हुई पूरे मसले की तब कहा ये गया कि इलेक्शन तक आप इस फिल्म को रोक दीजिए। इलेक्शन के बाद किसी राजपूत की भावनाओं का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ चुनावों से पहले उनकी भावनाओं का मतलब है। मुकेश त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्टर डायरेक्टर हैं। मुकेश जी बहुत स्वागत है आपका। मुकेश जी, जिस तरीके से हम बात करें कि फिल्म ओवरसीज तो रिलीज हो सकती है, लेकिन उससे भी
अगर हो भी जाती है तो भी देखिए उसके अपने नुकसान हैं। अगर हम अपनी इमेज बचाने के चक्कर में कि बाहर क्योंकि हमारा एक करार हुआ होगा संजय लीला भंसाली का या जिस भी तरीके से करार हुआ करते हैं आप बेहतर बता पाएंगे, तो वहां पर अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम ब्रीच करते हैं तो एक मसला है, और अगर वहां पर रिलीज कर देते हैं और हिन्दुस्तान में रिलीज नहीं होती है तो पायरेसी का एक बहुत बड़ा खतरा है। तो कुल मिलाकर मतलब है अभी भी दुविधा की स्थिति, तमाम पेचोखम है इस फिल्म में। देखिए आवाज सुन रहे हैं हम आपको। देखिए ऐसा है कि अगर ये जो विषय है बड़े दिनों से चला आ रहा है और बड़ा सोचनीय विषय है कि इस विषय में इतना समय लग रहा है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दो बार निर्देश दे चुके हैं कि ये फिल्म जो है सीएफबीसी को, सेंट्रल फिल्म बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन को दिखाई जाए। दूसरा, ये ब्रिटेन में जो वहां की जो फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी है वहां पे प्राइवेट बॉडी है, यहां पर सरकारी बॉडी है, वहां पर ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। जो भी फिल्म की सेंसरिंग करते हैं उसके पैसे से उनका खर्चा चलता है। वहां पे पैरामाउंट पिक्चर्स ने ऑलरेडी फिल्म को देख करके कहा है कि फिल्म बहुत अच्छी है और इसका अंतर्राष्ट्रीय जगत पर बहुत बड़ा इससे रेवेन्यू कलेक्शन होने की संभावना है। अब इशू ये आ गया है कि फिल्म इसलिए रिलीज नहीं कर सकते जो अभी आपने कहा कि इसमें पायरेसी का भी डर है, इसके अंदर और भी कुछ एग्जैजरेशन होकर के भारत तक आ सकते हैं क्योंकि वहां पर भी राजपूत सेना के कुछ लोग उसका ओपोजिशन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक फिल्म जिसमें इतना बड़ा निवेश हो चुका है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि है जो धूमिल होगी, हमें एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ एक बात यह कहना चाहता हूं कि जब भी आप ऐतिहासिक विषय पर फिल्म बनाएं तो आपकी संवेदनशीलता की जो 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 आपका प्रपोर्शन है वो कई गुना बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आप फिर उसके बाद आप फिक्शन का नहीं, आप एक ऐतिहासिक विषय को लेकर के आप फिल्म बना रहे हैं जिसका एक आपका सेंटिमेंटल कनेक्शन है समाज के साथ। तो मैं ये समझ रहा हूं कि मिस्टर भंसाली, अगर उन्होंने एग्रीमेंट करार किया है राजपूत वालों के साथ कि भाई मैं आपको फिल्म दिखाऊंगा, जबकि मैंने वो एग्रीमेंट कहीं देखा नहीं है, ना मैंने उसको किसी किस्म का कागज देखा है जहां पर उनके कमिटमेंट है। मैं ये कह रहा हूं भले ही वो एग्रीमेंट वॉइड है, गलत है, क्योंकि किसी दबाव में आकर के हो सकता है उन्होंने साइन किया है। अगर उन्होंने किया है तो मुझे लगता है कि एक एथिकल उनकी जिम्मेदारी है कि वो फिल्म जो है जो उनके चुने हुए नुमाइंदे हों, लेकिन उसके बाद फिर कोई और नुमाइंदगी नहीं होगी। ये नहीं कि 100 नुमाइंदगी आएंगे, एक आपस में ये जितने भी राजपूत हैं आपस में एक दो प्रतिनिधि जो उनके प्रतिष्ठित प्रतिनिधि हैं उनको चुन ले और उसके बाद फिर कोई चर्चा नहीं। अगर उन्होंने कहा कि फिल्म ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ठीक है तो मुझे ये लगता है कि फिर ये विवाद जो है हमेशा ठीक है। देवेंद्र जी, जिसका जिक्र मुकेश जी कर रहे हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अगर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उसकी जानकारी भी आप ही बेहतर दे पाएंगे कि क्योंकि देखिए ये कालवी जी की तरफ से तो कहा जाता है कि हाँ हमसे कहा गया था कि हम फिल्म दिखा देंगे, तो ऐसे में अगर कोई करार हुआ है तो उस करार के वॉयलेशन को लेकर भी आप कोर्ट में घसीट सकते हैं संजय लीला भंसाली को। हमारा सवाल यह है कि इस तरह की भाषा जिस तरह की इस्तेमाल की गई उसी का हम आज ये असर देख रहे हैं नाहरगढ़ के किले में जो हुआ है, क्यों हो रहा है ऐसा? मीनाक्षी जी, जैसे कि पूर्व में भी मैंने कहा कि ये अभी जांच का विषय है कि वो क्यों और किसे वो जो घटा है घटना वहां वो कैसे घटी है, उसके पीछे क्या कारण है। ये नहीं कह सकते कि पद्मावती के कारण ही हुआ है कि क्या है वास्तव में सत्यता। लेकिन जैसा कि करणी सेना के साथ भंसाली जी ने वास्तव में राइटिंग में ये एक्चुअली एग्रीमेंट किया था तो ये तो उनकी नियति में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है जो उन्होंने दिखाई नहीं। जब बातचीत हुई थी आपने एग्रीमेंट किया था, किसी दबाव में नहीं किया। देखिए एक तारीख से किया, एक दिसंबर को फिल्म आनी थी और पिछले 15 दिन से ये बवाल हो रहा है। आप इस बीच इस करार को लेकर के उन्होंने करार तोड़ा, आप गए क्या? आप घसीटिए उनको, हमारा कोई हम पक्षधर नहीं है संजय लीला भंसाली के, ना व्यक्तिगत तौर पर ना चैनल के तौर पर, और उनकी कमाई किसी चीज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना अपने देश की साख से है, हमारे छवि से है। तो अगर किसी भी कारणवश धक्का लग रहा है, आप सोचिए कि बाहर क्या इमेज बन रही है। यहाँ जो पर्यटक आता है, आप बहुत बड़े बड़े काम करते हैं कि यहाँ पर निवेश हो, यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिले, ऐसे कीजिएगा। बिल्कुल, हम लोग भी चाहते हैं देश में हमारा विकास हो, लोग बाहर से आए, लेकिन इसका कारण कौन बन रहा है? भंसाली जी ना। तो ये हम लोग उनसे ये बात फिल्मी दुनिया वालों से पूछे ना ये
कि आप ऐसा क्यों करते हैं भाई, विश्वास में लेके करें ना, कोई काम करना है तो जिस परिवार के बारे में आप फिल्म बना रहे हैं उसे विश्वास में ले लें, उस समाज को विश्वास में ले लें। जैसे अभी लिया था लेने के बाद आप कह रहे हैं कि करार हुआ, उसका दोषी कौन है? आप कह रहे हैं कि करार, उसका दोषी कौन है? आप कह रहे हैं कि करार हुआ, करार वो वैसे ही हो गया क्या? सफेद कागज पर करार हो गया क्या? करार हुआ जब उस वक्त कुछ बात नहीं हुई क्या? बताया नहीं गया क्या कि हम क्या दिखा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बातचीत हुई, कहले रिलीज करने के पहले हम इसको दिखाएंगे, ये बात तय हुई थी, फिर क्यों नहीं दिखाया गया? आप लोगों की तरफ से तो ये भी कहा गया कि हमारे हमने तो स्पाई लगा रखे थे, हमें हर सीन की जानकारी है कि क्या शूट हो रहा था, कैसे हो रहा था, आपको वो सब भी पता है, फिर भी आप फिल्म भी देखना चाहते हैं। बहुत विरोधाभास है सर, बहुत विरोधाभास है, और ये विरोधाभास जो है वो देश की छवि के लिए बड़ा धक्का है। दिलीप चेरियन, ये है स्थिति, देखिए, मतलब विरोध करना है तो करना है, उसका कोई ग्राउंड है, कितना ग्राउंड है, वो कितना मजबूत है, उससे कोई लेना देना नहीं है। शायद ये थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहा हूं मैं, पर अगर हर फिल्म को उसमें जो जो लोग हैं, एक फिल्म में सरदारों के बारे में होगा, एक फिल्म शायद लिफ्ट मैन के बारे में होगा, एक शायद स्कूल टीचर के बारे में होगा, तो हर एक का यूनियन होता है, हर एक का इंटरेस्ट होता है। अगर फिल्म सबको प्लीज करना हो तो फिल्म इंडस्ट्री जो है इंडिया में वो बंद ही हो जाएगा। अब लोग कह रहे हैं कि आप हिस्ट्री से विवाद कर रहे हैं, हिस्ट्री में जब डाउट्स है या पॉपुलर मिथ में जब डाउट्स है एग्जिस्टेंस की बारे में पद्मावती की, तो मेरे ख्याल में किसी का भी इंटरेस्ट इसमें होना नहीं चाहिए, सिर्फ सीबीएफसी का सर्टिफिकेशन के लिए वेट करना चाहिए। और अगर ये रूल ऑफ लॉ जो है, ये जो हमारे सिस्टम है, वो सिस्टम को अगर हम वायलेट करें तो कल लोग सोचेंगे कि यहां इंडिया में आके इन्वेस्ट करो या इंडिया में आके विजिट करो, तो जो रूल उनको दिखाया जाता है, जो कानून इस देश का है, उसका अगर उल्लंघन हो जाता है और उसके लिए कोई नैरो एक ग्रुप ऑफ पीपल उसको इंटरेस्ट में लेके उसको प्रोटेस्ट करके आप रूल चेंज कर दें, तो मेरे ख्याल में इंडिया के छवि के लिए बहुत डेंजरस होगा। आपने एक और सवाल पूछा कि आगे जाके क्या करना चाहिए, आगे जाके जो करना चाहिए कंस्ट्रक्टिव चीज एक ही है कि हर फिल्म के लिए सिर्फ एक ही बॉडी हो, वो बॉडी है सीबीएसई। यस, और वो है हमारे देश में, लेकिन अगर वहां से पहले ही तमाम चीजें हो जा रही हैं, हमारा सवाल तो उसी को लेकर है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं, हमारे देश में हम इन्वेस्टमेंट भी चाहते हैं, हमारे देश में हम टूरिज्म भी चाहते हैं, लेकिन हमारा टॉलरेंस इतना ही है कि एक फिल्म को लेकर हम इस कदर बवाल मचाते हैं, इस कदर बयानबाजी करते हैं कि एक तो हमारे यहां ही जान चली जाती है, एक व्यक्ति सिर्फ अब उसने आत्महत्या की है, उसका किसी ने फायदा उठाकर उसे जान से मार दिया है, ये सब कुछ पुलिस तय करना है। लेकिन यह वाकया घटा है और इसके इर्द गिर्द में पद्मावती को लेकर जो विरोध है वो कहा जा रहा है, तो सोचिए आप कि कितना घातक है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। तो विरोध का जौहर हम इसलिए कह रहे हैं कि जौहर अब उसको क्या कहना कि जिस तरीके से एक व्यक्ति चेतन तांत्रिक, जिसके बारे में वहां लिखा गया, कुछ और भी वहां पर कैप्शंस लिखे गए हैं, जो अपने आप में एक फिल्म से शुरू हुआ विवाद एक जान के तक यहां तक जो स्थिति है वो अपने आप में बेहद गंभीर है। लेकिन हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबल रिलीज और 50 से ज्यादा फिल्में, 50 से ज्यादा देश कहे जा रहे थे जहां पर रिलीज होना था, डर भय का वातावरण ऐसा बना दिया गया कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे। हालांकि ब्रिटेन में अभी भी फिल्म पास कर दी गई है, वहां पर सर्टिफिकेशन अलग तरह का होता है, वहां पर 12A एक सर्टिफिकेट है जिसमें 12 साल से छोटे बच्चे हैं तो वो अपने किसी अडल्ट के साथ जाकर फिल्म देख सकते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान जिसके कि इतिहास को लेकर फिल्म है, जिसमें कहा जा रहा है कि इतिहास गौरवमय तरीके से दिखाया गया है, हम उस फिल्म को अभी कम से कम 1 दिसंबर को तो नहीं देख सकते हैं। और विरोध जिस कदर हो रहा है, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि क्या वाकई ऐसी स्थिति हो सकती है इस देश में कि फिल्म को रोक दिया जाए, उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा नहीं ही होगा। लेकिन हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके नुकसान क्या हैं, ये नुकसान क्या है। मान लीजिए एक फिल्म रुक भी जाती है, एक की कमाई चली भी जाती है, एक और फिल्म आ जाएगी, यहां तो सैकड़ों फिल्में बना करती हैं, लेकिन एक फिल्म का रुकना
क्या सिर्फ एक फिल्म का रुकना है, उसके बहुत सारे और रिपरकशंस हैं, वो क्या है वो हम समझ रहे हैं। राम कदम जी, फिल्म 1 दिसंबर को ना सही रिलीज तो होगी, ये कम से कम हम गारंटी ले सकते हैं, ये उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि अभी तो जो हालात हैं बिल्कुल भंसाली को लेकर, फिल्म में जो कलाकार हैं उनको लेकर जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, बड़ा मुश्किल है सर। देखिए मीनाक्षी जी, मूल बात आप समझने का प्रयास करें कि फिल्म के रिलीज के बारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति केवल और केवल इतनी है कि जो स्वयं फिल्म का निर्माता निर्देशक ये बात को मानता है कि मैं रिलीज के पहले तुम्हें दिखाऊंगा, और ट्रेलर रिलीज होने के बाद लोगों के मन में ये भय आ गया कि ये ट्रेलर ही बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, तो स्वाभाविक रूप से उनको डर है कि फिल्म के भीतर भी कुछ उस प्रकार के आक्षेप वाले कुछ दृश्य होंगे। उन दृश्यों से आपत्ति है, रिलीज से किसी को आपत्ति नहीं है। ये यदि दिखा देता है कुछ लोगों को, अभी कुछ लोगों की बात छोड़ दो, जो महारानी पद्मावती के जो वंशज है उनको तो महाराजा को तो दिखाना चाहिए ना, इस बात में कौन सी आपत्ति है राम जी? इसमें तो कोई लोकतंत्र या इसमें तो उनका कोई ईगो आड़े नहीं आना चाहिए, क्या गलत है इसमें राम जी? मैं आपको और यदि यदि दिखाने के पश्चात यदि सुने मेरी बात पूरी करने दे, यदि दिखाने के पश्चात ऐसा सामने आता है कि इसमें गौरवशाली इतिहास दिखाया है तो यही राजपूत समाज उन्हें सर पे लेगा, वो किसी और के लिए मानेंगे। आपत्ति इस बात की है कि भंसाली घर में बैठ करके ये मुफ्त में मिलने वाली पब्लिसिटी का आनंद ले रहे हैं, वो सामने आकर फ्री पब्लिसिटी का आनंद तो बहुत सारे लोग ले रहे हैं और आपकी पार्टी भी ले रही है, पर सवाल ये है कि ये फिल्म राजस्थान में शूट हुई, राजस्थान में बिना परमिशन पुलिस के और विश्व अथॉरिटी से। राम जी सुनिए ना, राम जी मैंने आपकी बात सुनी, आप भी महाराष्ट्र से, मैं भी महाराष्ट्र से, आप बात सुनिए, नहीं आप बात सुनिए, एक मिनट तो बात सुनिए, आप मत बीच में लाइएगा, ठीक है? पार्टी का नहीं लाए, मैं पार्टी का नहीं, मैं सरकार की वहां का बोल रहा हूँ, आप भी एक सिटीजन है, मैं भी सिटीजन हूँ, आप उस हैसे से बोल रहे हो। सबसे बड़ी पार्टी राम जी सुनिए ना, अपना महाराष्ट्र का कल्चर अपनाइए ना, हम सुनते एक दूसरे की बात, एक सुनिए एक मिनट बात। राजस्थान की वहां की अथॉरिटीज की परमिशन के बिना वहां पे एक सीन शूट नहीं हुआ है। या तो आप कह दीजिए मुझे वहां की सरकार पे भरोसा नहीं, सरकार चाहे जिसकी की भी हो, आप बीजेपी के नेता की तरह नहीं बोल रहे, फिर दूसरी बात आप ये कह दीजिए कि सीबीएफसी पे भी मेरे को, स्मृति ईरानी वाली सीबीएफसी पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो देखेंगे उस पर भरोसा नहीं, मुझे वंशज जो देखेंगे इनके उसी पर भरोसा है। और तीसरी बात फिर आप ये भी तय कर दीजिए कि आगे जाते हुए कि जो भी फिल्म है जहां पे भी आपत्ति होगी वहां पे सीबीएफसी और कोर्ट नहीं तय करेगा। मान लो अगले दिन अभी कोई न्यूज चैनल पे कोई न्यूज चली और उसमें किसी पक्ष को ठेस पहुंच गई तो वो न्यूज वो पक्ष क्लियर करेगा। फिर इस तरीके से मोदी जी कैसे मेक इन इंडिया करेंगे वो भी हमको समझा दो कि एक तरीके से तो यहाँ पे कानून का राज ही नहीं है, कानून का निजाम ही नहीं है। जवाब दे रहे हैं अब, हाँ हाँ जवाब दे दीजिए सर जल्दी से। ठीक है, आप जवाब सुनेंगे जी। बिल्कुल कुछ क्षणों के लिए मान लेते हैं कि इनकी सारी बातों को मैंने स्वीकार कर लिया, पर इस बात का ये जवाब दे पाएंगे कि जिन्होंने खुद लिख करके दिया है हाँ मैं दिखाऊंगा रिलीज के पहले, तो क्या उसका ये उत्तरदायित्व नहीं बनता कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करें देश में कितने कॉन्ट्रैक्ट है, कितने कॉन्ट्रैक्ट सर ब्रीच होते हैं, हर कोई इस तरीके से बवाल करता है, क्या उस बात क्या है रास्ता उस समय जब तोड़ दिया जाए तो उसका रास्ता क्या है, वो रास्ता क्यों नहीं अपनाया गया, सड़कों पर क्यों उतरा गया, भावनाएं उद्वेलित क्यों की गई, हमारा सवाल इसको लेकर है। मीनाक्षी जी कल के भविष्य में यदि ये फिल्म बहुत अच्छी चलती है तो इसका नफा जो होना है, इसका फायदा जो होना है भंसाली को होने वाला है, जो सड़क पे रोग उतरे हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, नुकसान वो तो अपनी भावनाओं को लेकर के सड़क पे उतरे, इस बात को आप समझे आप, नहीं हमारी भावनाएं नहीं, लोगों को लोग आप लोग कहते हैं अपनी भावनाओं, देवेंद्र भदौरिया, देवेंद्र भदौरिया और आप जैसे लोग जब ये कहते हैं कि 10 करोड़ हम दे देंगे नाक काट के ले आइए, आपके अस्पताल में बीआरडी में बच्चे मर जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, वहां वो पैसा दे दीजिए, आप स्कूलों में पैसा दे दीजिए, अनाथालय खुलवा दीजिए, अगर इतना ही पैसा है तो राजपूत समाज के पास अगर बहुत पैसा है तो खर्चने के तरीके भी और बहुत हैं, ये इस तरीके से आप चलाना चाहते हैं बड़ा मुश्किल है सर, और आप मानना भी नहीं चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि फिर आप भंग कर दीजिए, नुकसान हो, आप INB को भंग कर दीजिए, आप सेंसर बोर्ड को भंग कर दीजिए, आप मत मानिए किसी को भी, आप मानना ही नहीं चाहते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट है
वो ब्रीच हो गया, आप कोर्ट जाइए, आप कोर्ट भी नहीं मानना चाहते हैं, आप क्या मानना चाहते हैं, आप कुछ नहीं मानना चाहते हैं, आप इस देश का तंत्र ही नहीं मानना चाहते हैं। देवेंद्र भदौरिया, मीनाक्षी जी, हम लोग सब मानते हैं और मानते रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं भंसाली जी ये बातें उनसे कही जानी चाहिए, हम लोग मानते आए हैं। जब अति हो गई है तब हम लोगों को प्रेशर बिल्ड करना पड़ा है और सड़कों पर आना पड़ा है, सड़कों पर आने के लिए किसी को स्टॉक नहीं है। मीनाक्षी जी, आप उनको नहीं मान रहे हैं, तमाम वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे हैं कि बहुत ही गौरवशाली तरीके से पद्मावती को दर्शाया गया है, आप उनको नहीं मान रहे हैं। दीपिका पादुकोण ने एक शो में कहा कि मेरा और रणवीर का कोई एक सीन एक साथ में शूट नहीं हुआ, आप उसको भी नहीं मान रहे हैं, सब पत्रकारों को दिखा रहे हैं वो। आप ये बताइए मीनाक्षी जी, जब पत्रकारों को दिखा रहे हैं तो हम समाज वालों को क्यों नहीं दिखाना चाहते जिनके साथ करार हुआ है, इसके पीछे क्या नियत है? उसको लेकर आप कोर्ट जाइए ना, उनकी नियत पता चल जाएगी। आप डेफरमेशन कीजिए उनके ऊपर, इतना बड़ा कि उनकी कमाई का कई गुना कर दीजिए। आप इस देश के कानून में आप भरोसा रखते हैं या नहीं? इस देश के कानून में आपको राजपूत समाज के तौर पर भरोसा है कि जो आवश्यक होगा भदौरिया साहब लिए, मीनाक्षी जी, जो जो आवश्यक होगा हम वो करेंगे और कर रहे हैं, लेकिन आप पहले वो करें जो अनावश्यक है और ये सब करने का कहा, हम लोग सब अनावश्यक आप पहले कीजिएगा, जो आवश्यक है उसको बाद में कीजिएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, आप उल्टा चलिएगा, गलत हो रहा है तो उसका प्रतिकार का भी हमको हक है। मेरा भदौरिया जी से प्रश्न है कि हेलो बोलिए सर, मेरा भदौरिया जी से प्रश्न है कि स्थिति जो है इस समय बहुत नाजुक बन चुकी है, अभी समय इतना निकल चुका है, आपका करार हुआ था वो उसको एनफोर्स नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट आप संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं कि नहीं? पहले तो प्रश्न ये है, अगर आप उसमें विश्वास रखते हैं, जो मैं समझता हूं आप जरूर रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं। दो चार चीजें ऐसी हो रही हैं ऐतिहासिक रूप से जिससे बिल्कुल रखते हैं, हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर बहुत धूमिल हो रही है। नंबर एक, आपने किले का घिराव किया जिसमें सैलानियों को आना बंद किया, उससे क्या टूरिस्ट रेवेन्यू पे असर पड़ेगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने दो बार आपको कहा कि आप जाइए सीएफबी सेंसर बोर्ड, आप वहां पे भी अभी जाने को तैयार नहीं। तीसरा क्या है मैं आपको बताऊं, वायोकेम 18 जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जिन्होंने इसमें 75 करोड़ रुपए अपने लगाए हैं, बाकी 75 करोड़ जो है बैंक से लोन लिए हैं। अब स्थिति ये आ गई है कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो फिल्मों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अब इस भयभीत के माहौल में आगे आने वाले चित्रों में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? इसका असर जो है हमारी इन्वेस्टमेंट जो ग्रेडिंग है, हालांकि अभी मूडी ने हमारे अपग्रेड किया है और अभी हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 130 से 100 पे आया है जो कि बहुत ही स्वागत योग्य है, तो ऐसी स्थिति में आप क्यों नहीं एक सब्र लेकर के फिल्म को जाने दीजिए। मैं मुकेश जी एक अपडेट भी आपको दे दूं, मूडीज की जो रेटिंग है उसको स्टैंडर्ड की रेटिंग ने नकार दिया है, वो भी एक मसला है। अब ये मूडीज की रेटिंग ने कैसे 130 से हमको 100 पर पहुंचाया था और स्टैंडर्ड की रेटिंग कैसे डिग्रेड कर रही है, ये भी एक चर्चा का विषय अलग हो सकता है। लेकिन हमारा सवाल फिर वही है कि चलिए मूडीज की या स्टैंडर्ड की रेटिंग पर हम ना भी जाएं, हम अपनी आंखों के सामने जो देख रहे हैं, जो हम अपनी एक इमेज बिल्ड कर रहे हैं, क्या वो इमेज के तौर पर सही है? क्या इस तरीके से अतिवादी हो जाना वो ठीक है? इमेज गुरु हमारे साथ हैं दिलीप चेरियन, मेक इन इंडिया हम बात करना चाहते हैं दिलीप जी, लेकिन ये कैसा मेक इन इंडिया है जो इंडिया में बना है, जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन एक तरीके से हिस्ट्री है, उन तमाम चीजों को हम इस तरीके से अपने लिए ढाल बना लेना चाहते हैं बिना ये सोचे समझे कि कितना नुकसान हम कर रहे हैं सिर्फ एक इस फिल्म के चलते भी। ग्लोबल है दुनिया आजकल, देखिए अगर इंडिया में कुछ मेक इन इंडिया होना है और कल्चरल प्रोडक्ट्स का मेक इन इंडिया होना चाहिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया, ये जो फिल्म है हर फिल्म एक स्टार्टअप की जैसी है, अगर उस फिल्म को आप किल करें तो एक स्टार्टअप बंद हो गया इसका मतलब। तो मेरे ख्याल में ये लोग समझ नहीं रहे कि अपने नैरो इंटरेस्ट के लिए जो कर रहे हैं वो देश के फ्यूचर के लिए बहुत हानिकारी है, क्योंकि एक तो रूल ऑफ लॉ, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा टूरिज्म और चौथा स्टार्टअप इंडिया, इन चारों चीजों पे जो प्राइम मिनिस्टर बहुत कोशिश करके बहुत एफर्ट करके इनको बढ़ावा देने का कोशिश कर रहे हैं, या ना मेकअप इंडिया ना स्टार्टअप इंडिया सक्सीड हो सकता है जब कोई भी इंटरेस्ट आके बीच में एक पत्थर फेंक दे, और पत्थर फेंकने की वजह से
कोर्ट्स भी कोई डिसीजन नहीं ले रहे, सीबीएफसी भी डिसीजन लेने से शायद डिले कर रहे हैं। ये ऐसी जो प्रोडक्ट्स है और ग्लोबल कंपनीज जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उन पे तो बहुत असर पड़ेगा, और इससे ये जो हम इसको एक पॉलिटिकल फुटबॉल बना चुके हैं, और इस पॉलिटिकल फुटबॉल के वजह से लोगों का जो जान भी जा रहा है उस पे भी हमें कोई कदर नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिलीप जी, हमें जानकारी मिली, आप व्यस्त हैं, आप इतने वक्त के लिए हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मुझे आप ये एके मिश्रा जी बता दीजिए कि देखिए, एक तो तर्क ये दे दिया जाता है कि ऐसा नहीं है कि पद्मावती पहली फिल्म है जिसको लेकर विरोध या इस तरह का बवाल है, इससे पहले भी होता रहा है, ये कहां तक जस्टिफाइड है कि एक 70s में आंधी को लेकर विरोध हो गया था, इंदु सरकार को लेकर अब विरोध हो गया, मार्शल को लेकर हो गया, फिल्में हम जिस तरीके से विरोध का एक जरिया क्या हम उनको मानकर चले हैं, और क्या कभी विरोध होता रहा, तो आज वो जस्टिफाई हो जाता है। मैम देखिए, जो मॉब होता है या किसी देश की जो जनता होती है उसका मास बिहेवियर टोटली डिफरेंट होता है। थोड़ा आप रूट में जाके इस चीज को समझिए। एक कहावत हम लोगों के यहाँ थी या है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य की जगह आप फिल्म रख दीजिए तो फिल्म वो दिखाता है जो समाज में होता है, और हर चीज की अपनी एक लक्ष्मण रेखा होती है। सिर्फ फिल्म के नाम पे आप किसी भी चीज को डिटेरियोरेट नहीं कर सकते हो। मैं तो ये समझता हूँ कि फिल्म सोसाइटी के लिए होती है, पब्लिक के लिए होती है, रेवेन्यू उन्हीं से आता है। तो संजय लीला भंसाली सर, मैं अगर ये बोलता हूँ कि अगर राजपूत सेना को इस पे कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ ना कुछ गलतफहमी वहां पे हुई है, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो वहां जाके फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं 10 दिन 1 महीने, तो क्यों नहीं किसी एक हाल में राजपूत सेना, कांग्रेस, बीजेपी सब लोगों को बैठा ले। आप सुपारियां दे देंगे, आप सुपारियां दे देंगे और फिर आप विचार विमर्श की गुंजाइश ढूंढेंगे। नहीं नहीं, सुपारियों का देखिए, अब इस पे मेरा वो नहीं है कि सुपारी किसने दी, तो किसी भी तरीके से वायलेंस होना जो है उस चीज को मैं फेवर नहीं करता हूं। या अभी जिसकी एक बता रहे हैं किले में, मैं देख रहा हूं कि उनकी हत्या हो गई या सुसाइड किया है। अब देखिए, ये चीज क्यों हुई, ये चीज इसलिए हुई कि जब आदमी किसी भी पॉजिटिव या निगेटिव वे से जब उसकी मानसिक स्थिति आहत होती है ना कहीं चोट, तो वो इसी तरीके जिसने मर्डर किया उसकी भी मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेज ये पहुंच गया कि उसने ये किया। अगर किसी ने उसने खुद सुसाइड किया है तो उस लेवल पे वो गया। तो मैं तो बोलता हूं इस चीज को, इतना मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो केवल सोसाइटी के लिए जीती है, फिल्में बनाती है, 10 लोगों को बैठा के आप 4 पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बैठा लीजिए। आपको पता है, ये बात पता है कि ये पहली पद्मावती की फिल्म नहीं है, आपको ये बात पता है? इससे पहले 2 पद्मावती बन चुकी है, इतिहास उसमें नहीं तोड़ा मरोड़ा गया। ये इतिहास का ज्ञान आज आपको 2017 में जब पब्लिसिटी मिल रही है तभी आपको, मतलब इन करनी से नवाल को आज ही मिला, जनरल को आप तब, तब तब क्यों नहीं ये लोग उठे? मैं आपको, और इतिहास का ज्ञान फिल्मों से लेंगे हम लोग? नहीं, मैं आपको इतिहास का ज्ञान फिल्मों से लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ पुनावाला जी, आप सुनिए, आज के 15 साल पहले 20 साल पहले जब भी ये फिल्म बनी थी उस वक्त की समाज की दशा, दिशा, मानसिक स्थिति क्या थी? हो सकता चुनाव नहीं थे, नहीं सुनने गुजरात चुनाव नहीं, आप पॉलिटिशियन है आप उसको देख सकते हो, मैं केवल चुनाव के मुद्दे नजर मैं नहीं देख सकता। आप पत्रकार है, आप नहीं चल रहा है वो देख सकते हैं। समाज के तौर पर, हम समाज के तौर पर क्या मुझे इनटॉलरेंट हो गए हैं? कोई मतलब नहीं, हम समाज के तौर पर इनटॉलरेंट हो गए, मतलब हम 20 साल पहले हम नहीं कर सकते, आज हम नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ इनटॉलरेंस, देखिए हर वो कौम जिसके अंदर स्वाभिमान होता है अगर उसको छेड़ा जाएगा तो ऐसे जो है आपको घटनाएं मिलेंगी। हर रोज मेरी बेटियों का रेप हो रहा है उसमें हर उनको दिया जाना नहीं है। आप, मैं इसका विरोध करता हूँ, आप ये उठाइए ना बीजेपी वालों से। मैं पूछ रही हूँ देवेंद्र कटारिया जी, देवेंद्र कटारिया जी मुझे बताइए, वो जो काम और वो जो समाज सड़कों पर उतरा हुआ था पद्मावती को लेकर नाक काटने तक की बात कह रहा था, आज एक व्यक्ति मर गया, क्या किया है आपने उसके लिए? परिवार से मिलने कौन गया है? मदद कैसे करेंगे? सोचा है कुछ आपने? हमारे लोग मिलने गए हैं वो एक अलग मैटर है, ऐसे बाकी बहुत होंगे मीनाक्षी जी। जब आप किसी समाज की जो है भावनाओं को आहत करेंगे तो उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा, तो वो ये ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी। मैं तो ये कहूंगा ये केवल राजपूत समाज तक सीमित मत रखिए इसको। आप फिर ये भी कहते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हिंदू संगठन है, आप फिर ये भी कहते हैं कि बातचीत करना चाहते हैं, डराना भी चाहते हैं, आप डराना भी चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि ये एक लौती घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं और होंगी, नहीं और होंगी ऐसी घटनाएं, लोगों की जान लेंगे आप इस तरीके से? आहत होकर सुसाइड करेंगे लोग, जब आप कोई नहीं सुनेगा, सरकार नहीं सुनेगी तो लोग सुसाइड करेंगे, और ये सुसाइड की घटना है। आप बहका रहे हैं लोगों को, फिल्में जो है,
आप किसको डराना चाहते हैं ये कहकर? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। भदौरिया सर देखिए भारतीय संस्कृति में सोसाइटी को कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोगों की सरकार की कोई जो है सोच नहीं है। सोसाइट कर लेना लोगों की सोच है, राजपूतों ने कभी सोसाइट को सर फिल्मी निर्माता जब फ्री फिल्म का निर्माण करें तो इन सारी बातों को देखना चाहिए, केवल पैसे के लालच में कुछ नहीं करना चाहिए। कौन सा सोसाइट पे विश्वास नहीं करना, लालच में कुछ भी नहीं करना चाहिए कि संस्कृति तोड़ दो, इतिहास तोड़ दो। लोगों की जान को तोड़ दो, संस्कृति को तोड़ दो, 800 साल पहले हम लोग छोटे से ये चीज पढ़ते आए हैं, आप सोचना नहीं चाहते? नहीं, लोग ये कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं उसमें से कि आपने पहले विरोध क्यों नहीं किया, पहले टीवी मीडिया सोशल मीडिया गांव गांव तक नहीं था, आज जागरूक हुए हैं इसलिए बातें सामने आ रही हैं। पहले लोगों की जानकारी में नहीं आती थी कि क्या कर रहे हैं फिल्म दुनिया पर। आज लोग अवेयर हो गए हैं, गांव गांव तक टीवी पहुंची है, सोशल मीडिया पहुंचा है, तो लोग जागरूक हुए हैं, और जागरूक हुए हैं तो सड़कों पर आएंगे। इतिहास की जानकारी आप कैसे जुटाते थे? अच्छा मैं भदौरिया जी पुस्तकें हुआ करती, ये बताइए शांति आज फिल्में हो रही है फिल्मों के माध्यम से, नई पीढ़ी को फिल्मों के माध्यम से ये देखने को मिल रहा है कि क्या वास्तव हमारा इतिहास ये है। आप अपनी पीढ़ी को ये क्यों नहीं बता सकते कि इतिहास जो हम बता रहे हैं वो है, ये फिल्म इतिहास नहीं है? आप नहीं समझा सकते? आप सड़कों पर उतार सकते हैं अपने लोगों को, लेकिन आप सिखा नहीं सकते, समझा नहीं सकते, किसकी कमजोरी है? आप दूसरों के ऊपर सवाल उठाते हैं, अपने भीतर झांकना नहीं चाहते हैं। फिल्म कुछ दिखा रही है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज क्या दिखा रही है ये तो किसी को पता ही नहीं है। ये जो है फिल्मी दुनिया कंफ्यूज कर रही है, क्या दिखा रही है तो किसी को पता ही नहीं है। आपके हम अपने इतिहास की जानकारी देते हैं नई पीढ़ी को, लेकिन फिल्मी दुनिया कुछ और देती है, हम कुछ और देते हैं, इससे नई पीढ़ी भ्रमित है। वो फिल्मी भ्रमित हो रही, वही समझ रही जो फिल्मी दुनिया दिखा रही है। फिल्मी दुनिया निकाल रही है। नहीं पापा जी, आपने गलत बताया है, इतिहास फिल्म में दिखाया जा रहा है। इतिहास हिंदुस्तान का भ्रमित, इतिहास हिंदुस्तान का इतना कमजोर नहीं कि एक फिल्म उसकी नींव हिला दे। आपको ये समझने की जरूरत है, आप समझना ही नहीं चाहते। राम कदम जी, ये है कमजोरी की बात नहीं है। देवेंद्र भदौरिया जी कह रहे हैं कि ये चुनावी मामला है जो नवागढ़ में हुआ है, हमें तैयार रहना चाहिए ऐसी और चीजों के लिए। ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये क्या कर रहे हैं? इनको लेकर क्यों नहीं एक्शन होना चाहिए फिर? देखो ऐसा है कि जिस प्रकार की हिंसा की बातें यदि कोई भी समाज का तथ्य करता है तो उससे कोई सहमत नहीं होगा। अभी देवेंद्र जी जो कह रहे हैं उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करो। अब पुलिस जांच कर रही है, वो क्या घटना थी, किस कारण घटी है, कैसे हुआ है, कौन जिम्मेदार है, कानून व्यवस्था का सुने। आप सुनने का यदि प्रयास करें तो मेरी बात समझ पाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो घटना घटी है वो दुर्घटना है और हिंसाचार का कोई समर्थन नहीं करेगा, पर उसी साथ साथ हम ये जो फिल्म को लेकर के जो समाज रस्ते पे उतरा है उनकी भावनाओं को हम समझने का प्रयास कब करेंगे? और एक आदमी लगातार उसको विनते करने के बाद भी वो सामने आकर के खुल करके समाज के कुछ चंद लोगों को फिल्म दिखाने को तैयार नहीं है तो ये किसकी गलती है, ये भी हम सबको मिलकर के तय करना। उनके तरफ से मैंने नहीं कि हम फिल्म नहीं दिखाना चाहते, बड़ी स्पष्टता के साथ ये आरोप है तरफ से सर कि हम फिल्म नहीं दिखाना चाहते। एक बात पूरी तरह से पूरी कहां दिखा रहे हैं, ये पूरा समाज मिलकर के यही तो बात कर। अब तो यहां तक भी कह दिया कि हमारे जो महारानी पद्मावती की जो वंशज है केवल उनको भी दिखा दो तो यदि वे उससे प्रसन्न है किसी को आपत्ति सालवी जी मुंबई अगर उस बात को भी लेकर के इतना गरीब रखा जाएगा, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे वो नहीं जाते जहां पर बातचीत हो पाए। राम कदम जी, राम जी आपको पता है प्रधानमंत्री इतना घूमते हैं हमारी छवि बने, सुनिए एक मिनट, विदेशों में घूमते हैं वो की छवि बने। आज न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने ये छापा है कि हरियाणा के बीजेपी के नेता ने इंडिया की टॉप एक्ट्रेस को धमकी दी है। तो मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री के इतने बड़े काम का कौन नकार रहा है? मैं आपको राजनीतिक रूप से नहीं पूछ रहा, नागरिक के रूप से पूछ रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी हमारे और देश की साख भी हमारी है। नहीं,
नहीं, यदि जिसने भी ये कहा है ये उसका मैं रामकदम जी से पूछना चाहता हूँ, ये कोई पार्टी के आधार पर मत व्यक्तिगत मत है और उस मत से समाज के ऊपर जो असर हो रहा है उसको कौन जानेगा। उस मत से हमारी पार्टी सहमत नहीं है। मान ले कि उसने इतिहास से छेड़छाड़ की, उसका ये असर है के विषय को लेकर है ना, एक हिंसा को लेकर के आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने व्यक्तिगत तौर पर कुछ हिंसा को लेकर के या हर बात का असर है। जी मुकेश जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपकी तरफ से ही। मीनाक्षी जी देखिए, ऐसा एक फिल्म थी विश्व रूपम जिसको लेकर के बहुत विवाद हुआ था, लेकिन उसका विवाद का जब रूट कॉज एनालिसिस किया गया तब ये पता किया गया क्योंकि जयललिता की जो चैनल है उसको सैटेलाइट राइट बेचने के लिए मना कर दिया गया था। तो मैं राम कदम जी से और भदौरिया जी से ये पूछना चाहूंगा कि एक ऐसा सॉल्यूशन बताएं जिसपे विवाद ना खड़ा हो। एक ऐसा सॉल्यूशन बता दें इस प्रजातांत्रिक ढांचे में, अगर विवाद ना खड़ा हो कोई एक ऐसा सॉल्यूशन बता दें कि वो सॉल्यूशन के बाद कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, कोई हल्ला नहीं होगा और ये मामला वहीं पर शांत हो जाएगा। एक सॉल्यूशन बता दें सर, ये तो फिर हर फिल्म अगर आप ये कहते हैं कि मेरे इनके प्रतिनिधि को दिखाइए तो फिर तो हाँ, तो ये एक ट्रेडिशन बन जाएगा। कल खाली राजपूतों की रानी पद्मावती को हमारी भी पूजनी है, हम भी उनकी पूजा करते हैं। कल मैं कहूंगा मेरे भी सेंटीमेंट को हाथ पहुंचा है। जी राम कदम जी, जल्दी से मुकेश त्यागी जी, इसका बिल्कुल सीधे तौर पे सटीक हल ये है कि महारानी पद्मिनी के जो वंशज महाराजा जी हैं उनको और कुछ चंद लोगों को ये फिल्म दिखाए और भंसाली ये उनको आश्वस्त करे कि इसमें आक्षेप लेने से कोई दृश्य नहीं है। सीबीएसई की सदस्यता हर बच्चे को दी जाए, क्या सीबीएसई की सदस्यता नागरिकता के साथ दी जाए, संविधान में इसको बना दिया आधार कार्ड के साथ, वो मिल जाए सबको। जो उसने माना है उसने नहीं, खिरजी के भी परिवार वाले रुके हैं। हम उस दिशा में सर इसलिए जाना चाह रहे थे कि दरअसल कोई तो हल होना चाहिए, लेकिन हल की तरफ लग यही रहा है कि बढ़ना नहीं चाहते हैं और हल की तरफ सिर्फ ये कह देने भर से कि फिल्म दिखा दीजिए, जब फिल्म और लोगों ने देख ली। चलिए हम मान लें कि राजपूत समाज को फिल्म दिखा दी जाए, इनकार हमने सुनने को नहीं मिला है, लेकिन उससे पहले जो कुछ हो गया उन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उसको भी नहीं माना जा रहा, किसी और बात को माना ही नहीं जा रहा है। तो अगर अपना ही से हमेशा आपको राइट लगता है और दूसरे का हमेशा ही रॉन्ग लगता है तो ये बड़ी दुविधाजनक स्थिति तो है ही। खैर, बहुत शुक्रिया राम कदम जी, शहजाद पूनावाला आपका भी शुक्रिया, देवेंद्र जी आपका शुक्रिया, मुकेश जी बहुत शुक्रिया आपका, और एके मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी चर्चा हम इस दिशा में बढ़ाना चाह रहे थे कि इमेज को लेकर क्या स्थिति, और इमेज तो देखिए इससे गड़बड़ हुई है। एक फिल्म का विरोध जिस तरीके से हुआ तो उससे सिर्फ देश में ही नहीं दुनिया भर में हमारी छवि के ऊपर असर पड़ा है, हमारी इमेज के ऊपर असर पड़ा है, और साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि इतिहास इतना कमजोर नहीं है कि एक फिल्म जिसको कि अब लेकर तमाम तरह की बातें हैं, 1 दिसंबर को तो फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, कम से कम यहां तो नहीं हो रही है, ब्रिटेन में हो रही है, अब पायरेसी और इसको लेकर तमाम बातें हैं। ये बातें फिल्म को लेकर अगर चलती भी रहती, एक विवाद विरोध होता भी रहता तब भी उतना बड़ा सवाल नहीं था, लेकिन आज चूंकि विरोध यहां तक ले गया कि एक व्यक्ति की जान चली गई, एक एक जान देश की जनता में, चाहे वो किसी की भी जान है, वो बेहद कीमती है। तो आज एक जान गई है और जिस तरीके से राजपूत समाज अभी भी आमादा है, चेतने की और सोचने की जरूरत है कि क्या हम यही चाहते हैं, क्या हम यही समाज चाहते हैं, यही देश चाहते हैं और यही छवि चाहते हैं। तमाम सवाल हैं, सबके सामने हैं, सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।